नमस्कार मंडली, कैसे हो सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम एकदम टेस्टी ऐसी सोया चंक्स रोल की रेसिपी देखेंगे, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी ऐसी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेके उसमें 1 चम्मच जितना तेल ऐड कर लेंगे। तेल ऐड करने के बाद उसमें चुटकी भर जितना राई और जीरा डाल देंगे। दोनों अच्छे से रोस्ट होने के बाद उसमें हम जो अपना बारीक कटा लहसुन है वो ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा गोल्डन होने तक पका लेंगे। उसके बाद हमने जो एक प्याज काट के रखा था वो ऐड कर लेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। अपना जो प्याज है वो हल्का गोल्डन होने के बाद उसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे भी पका लेंगे। उसके बाद हम चुटकी भर जितना कस्तूरी मेथी ऐड कर लेंगे और सभी चीज़ों को फिर से एक बार मिक्स करके अपने जो मसाले हैं वो ऐड कर लेंगे। स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए उसमें हमने जो सोया कीमा लिया है वो ऐड कर लेंगे। ये जो सोया कीमा है वो मैंने घर पे ही बनाया है। वो ऐसे कि जो सोया चंक्स रहते हैं उसको गर्म पानी में थोड़ा सोक करके उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद वो सॉफ्ट होने के बाद उसे मिक्सी में ब्लेंड कर देता हल्का सा नमक ऐड करके। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पका लें। अपना जो कीमा है वो अच्छे से पक गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपना जो गैस का फ्लेम है वो बंद कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ अपना रोल तैयार कर लेते हैं। रोल के लिए यहाँ मैंने ओट्स की बनाई हुई रोटी ली है। सबसे पहले हम रोटी को एक अपनी जो ग्रीन चटनी है वो लगा लेते हैं। वो जो ग्रीन चटनी है वो धनिया, पुदीना और मिर्ची की बनी हुई है। उसके बाद हम रोटी के ऊपर अपने जो कीमा तैयार किया है वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर अपना बारीक कटा प्याज ऐड कर लेंगे, बारीक कटी शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे और थोड़ा बारीक कटा खीरा ऐड कर। अभी हम इन सब चीज़ों के बाद ऊपर से थोड़ा सा और हरा चटनी ऐड करेंगे और थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे। अपना जो रोल है वो बन के रेडी है। अभी हम इसे दही, पुदीना और धनिया की चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।